ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम सभी इस संसार की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हमें स्वयं को सदा इस स्मृति में रखना है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, संसार की सभी आत्माओं से महान, जिन्हें संसार की सभी आत्माएं पूज्य स्वरूप में देखती हैं, तो हमें तो सबको देना है, किसी की ओर भी प्यासी नजरों से नहीं देखना है। स्वयं को ये एहसास दिलाएं, मैं महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ, हीरो एक्टर हूँ, इस सृष्टि में आदि से अंत तक ही मेरा श्रेष्ठ पार्ट है। सत्यु त्रेता में भी बहुत श्रेष्ठ, द्वापर कलयुग में भी मैं हीरो एक्टर हूँ। भगवान ने भी मुझे अपने महान कार्यों के लिए चुना है, अपनी शक्तियाँ वरदान और अधिकार देने के लिए चुना है। अपने को पूरा एक्सेप्ट करा दें, जरा भी रिजेक्शन न हो अंदर से कि मैं महान आत्मा हूँ। ये स्मृति, ये एहसास, ये रियलाइजेशन हमारे अंदर की छुपी हुई महानताओं को उजागर करेगा। हमारे अंदर दो युग का देवत्व भी समाया है, बहुत महानताएं हैं उसमें, वो भी सब इमर्ज होने लगेगा। तो हम आज चलते फिरते ये अभ्यास करेंगे विद डीप रियलाइजेशन, विद डीप एक्सेप्टेंस, मैं महान हूँ। चलेंगे इसकी गहराई में, मेरी चमक भी संसार की सभी आत्माओं से ज्यादा है। स्वयं भगवान की नजर मुझ पर पड़ती है, स्वयं पुनः वो मुझे मनुष्य देव बनाने आ गया है, मैं महान हूँ। इसको बार बार स्मृति में लाएंगे और दूसरों को भी जब देखेंगे तो ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और जो नहीं हैं उन्हें हमें श्रेष्ठ बनाना है। ये भावना हमारी महानताओं में और चार चांद लगाएगी। दूसरे के अवगुण देखकर, दूसरों की कमियों को निहार कर हम उनके प्रति अपनी दृष्टि को न बदलें। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य जब दूसरों की के अवगुणों को देख लेता है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, परंतु हमारी दृष्टि यही रहे कि ये भी देवकुल की आत्माएं हैं, ये भी भगवान के बच्चे हैं, इनका भी कल्याण हो, ये भी अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को पहचाने, ये भी आगे बढ़ें, इनको भी सुख मिले, इनका भी परमात्म मिलन हो, इनकी भी ये बुराई छूट जाए। हमारी ऐसी शुभ भावनाएं दूसरों को बहुत मदद करेंगी, हमें ये याद रखना चाहिए, और उनकी भावनाएं भी हमारे प्रति बदल जाएंगी। जिसे हम खराब समझेंगे वो भी हमें खराब समझेगा, और जिसे हम इस नजर से देखेंगे ये बहुत अच्छी आत्मा है, वो भी हमें इसी नजर से देखेगा कि ये बहुत अच्छी आत्मा है। हमारी भावनाएं ही रिटर्न होकर हमारे पास दूसरों के रेस्पॉन्स के रूप में आ जाती हैं। तो बाबा ने हम सभी को बार बार याद दिलाया है, तुम महान आत्माएं हो। पर भगवान भी ऊपर बैठकर सोचता तो अवश्य होगा कि पता नहीं मैं कब याद आएगा कि ये महान है। सोचें जरा, तो आज याद दिलाएंगे सारा दिन स्वयं को, मैं एक महान आत्मा हूँ,
और अपने देव स्वरूप को सामने रखेंगे। ये है मेरा असली महान स्वरूप, पूज्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप, ये मैं हूँ। ऐसी गुड फीलिंग बार बार स्वयं को देते रहेंगे तो हमारे संस्कारों में दिव्यता और महानता आती जाएगी। ओम शांति।